बंद करो देखो वीडियो भाई वीडियो देखो आई, लालूच भी बिठानिया कमेंट यू नलूच ललूशी वीडियो के एंड पे बोलना है यार क्या कर रहा है अच्छा जी तो इसको दो साल हो गए टूर्नामेंट कराते को इंडिया में टूर्नामेंट करवाया और किसी एक भी इंडियन को टूर्नामेंट में नहीं लिया तो लोग इसका प्रो टेकडाउन डाउन देखेंगे क्यों वो यूएफसी देखेंगे जिस मूवी में इस बंदे का रोल परेशान बाप का होता है पता नहीं क्यों वो मूवी हर बार हिट होती है और अंत में ये परेशान से प्राउड फादर बन जाता है तो ये बंदा कहता है कि सुल्तान में दम है चलो ठीक है पर सिर्फ सुल्तान को लेने से इसकी सारी प्रॉब्लम हल नहीं होने वाली कमेंटेटर कहता है कि सुल्तान दस पहलवानों से लड़ने वाला है पर सुल्तान सिर्फ सात से लड़ता है तीन कहाँ पर चले गए अब पॉकीमोन को दो में भी हुआ करती थी पीछे वाला बंदा खड़ा हो रहा है और फिर अचानक फिर से गिरा पड़ा है ज्यादातर औरतें जो फाइट देखने आई हैं उन्होंने एक ही तरह के कपड़े डाले हुए हैं और जो आदमी आए हैं उन्होंने भी एक ही तरह के व्हाइट कपड़े डाले हुए हैं सुल्तान बच्चों को स्कूटर पर बिठाता है उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए और रस्ते में खुद गन्ने का जूस पीने लग जाता है और उन बच्चों को वही छोड़ देता है स्कूटर को अच्छे से लॉक लगाने का फायदा ही क्या अगर चाबी बीच में ही छोड़नी है तो ये बंदा कहता है लो फिर से फंस गया ट्रैक्टर सुल्तान को बुलाओ सुल्तान को भाई मतलब रो ट्रैक्टर फंसता है यहाँ पर और सुल्तान भाई पहले से ही तैयार

हद होगी ये सब लोग दूसरों के घरों में घुस रहे रहे हैं हैं किसी को भी धक्का मार रहे हैं। और कुछ लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं सिर्फ एक पतंग पकड़ने के लिए ये कपड़ा खींचकर सुल्तान ने इस बंदे को नीचे फेंक दिया वह सुल्तान ने जिस हिसाब से जंप लगाया है वो इस बंदे के ऊपर गिरने वाला है पर उस बंदे को कोई परवाह नहीं है मजे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है लगता है इसने ज्यादा पीली है वो देखो वो बच्चा भी अपनी पतंग पर ध्यान देने की बजाय जिसके लिए उसको मूवी में लिया है सुल्तान की तरफ ध्यान दे रहा है पर वो भी क्या करे सी नहीं कुछ ऐसा है यहाँ से जंप लगाकर, यहाँ से सुल्तान अचानक क्लासरूम के अंदर पहुंच गया क्लास के बच्चों का भी ध्यान टीचर पर नहीं है ध्यान तो दरवाजे पर है क्योंकि उन्हें पता है कि सुल्तान आने वाला है तीसरी आंख खुली है इनकी शायद सुल्तान ने एंट्री भी तब मारी जब टीचर ने ऐसे बोला ताकि ये बच्ची सुल्तान का नाम ले सके इस बंदे को देखो कितना सीरियस है ये पतंग पकड़ने के लिए ये ना वही लोग हैं जिन्हें स्कूल टीचर ने कभी क्लास में कह दिया होगा कि चेज योर ड्रीम्स अब भाई इसका ड्रीम है वो पतंग और वो पतंग पकड़ने के लिए कुछ भी करेगा नहीं सोने के शो में पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा पर फिर भी कुछ भी करेगा अब ये क्या है भाई इतनी ऊपर से जंप लगाया और लैंडिंग इतनी आसानी से हो गई इनके पीछे अभी कोई खास बंदे नहीं खड़े हैं पर एक दो इतने बंदे आके खड़े हो जाते हैं यार सिर्फ दो सेकंड सुल्तान आरफा को मारता है और ये आंटी उल्टा आरफा को आकर ही बोलने लग जाती है क्यों लड़ रही है छोरों से भाई गलती उसकी है तो उससे बोल क्या यार एक घर के ऊपर इतनी सारी डिश लगाई पड़ी है ये सब सिग्नल के लिए है या आजकल डिश का इस्तेमाल जादू से बात करने के लिए किया जा रहा है दादी सुल्तान को बोलती है कि सीधा उसको जाके बोल दे कि मुझे तुझसे प्यार हो गया है और मुझे शादी करनी है सुल्तान अभी उससे एक बार ही मिला है और उस एक मुलाकात में भी उसने उससे लड़ाई ही की है तो इस बात से कन्फर्म हो गया कि दादी की अरेंज मैरिज हुई थी दादी के हिसाब से सीधा जाके उसको बोल देना चाहिए बस अभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी फंक्शन में जाना है और पहनने के लिए आपके पास अच्छे कपड़े ही नहीं हैं। तो घबराइए मत क्योंकि आजकल तो लोग कपड़े मोटर बाइक के ऊपर छोड़ जाते हैं शेरवानी जैकेट कोट पैंट सब कुछ डांस करते वक्त हीरोइन के बाल बेमतलब की उड़ते रहते हैं क्लिशे अगर आपको नहीं पता कि एफर्टलेस डांसिंग किसे कहते हैं तो ये ये होती है एफर्टलेस डांसिंग भाई सुल्तान को तो कंपोज करना चाहिए इतनी जल्दी गाना भी लिख दिया सुल्तान इस लड़की को किसी की शादी में छेड़ रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा उल्टा सभी एंजॉय कर रहे हैं अपना आरफा को सुल्तान बिल्कुल पसंद नहीं है पर फिर भी वो डांस तो कर रही है उसके साथ ये सब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है ये सभी के सभी हारमोनियम कहाँ से ले आए आरफा ने हेयर पिन पहना हुआ है जबकि हेयर पिन अलाउड ही नहीं है इन तीनों से एक बंदा भी नहीं पकड़ा जा रहा और क्या करेंगे ये लोग ये लोग सुल्तान के पीछे भाग रहे हैं या एक दूसरे के अभी इसने थोड़ी देर पहले भागना शुरू किया है और देखकर ऐसा लगता है कि आधे घंटे से भाग रहा है ये बंदा पक्का गोल्ड मेडल लेकर आएगा सुल्तान के पीछे तीन बंदे पड़े थे एक लटक जाता है एक गिर जाता है और एक बंदा जो उसका पीछा करना बीच में ही छोड़ देता है उसके पास पूरा चांस होता है सुल्तान को पकड़ने का पर फिर भी वो सुल्तान को पकड़ने से पहले ही नीचे गिर जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं और उस बेचारे को वहां से नीचे कोई उतारता ही नहीं है सुल्तान और आरफा बात करते रहते हैं और ये सुल्तान का ब्लड निकालती है और अचानक से वहां पर पहुंच जाती है और सुल्तान का ब्लड ग्रुप भी बता देती है ब्लड का टेस्ट किया है इसने या इसनेट कर बता रही है अगर ये औरत चाट कर ब्लड ग्रुप बता रही है वो भी दो तीन सेकंड में तो कुछ भी हो सकता है इसे शेयर भी तो किया जा सकता था आरफा को सुल्तान को खिलाने की क्या जरूरत थी ये ढाबा तो बहुत मशहूर है पूरा भरा पड़ा है ये ढाबा और ये लोग तो इंडिया से भी नहीं है और ये ढाबे में काम करने वाला बंदा लड़की को कैसे देख रहा है ध्यान से देखिए ये आदमी कैसे देख रहा है इस लड़की को लिफ्ट छह बच्चों ने मांगी थी सुल्तान ने सिर्फ चार ही बच्चे मोटर बाइक में बैठाए हैं सुल्तान हर बार बच्चों के साथ ऐसा ही करता है पिछली बार उन्हें गन्ने के जूस वाले के पास छोड़ गया था इस बार दो बच्चों को वहीं छोड़ आया और इतने छोटे बच्चे लिफ्ट क्यों मांग रहे थे इनका तो स्कूल में आना जाना वैन में होना चाहिए आरफा सुल्तान की गर्लफ्रेंड ही बनी पर मूड इस भाई साहब का खराब हो रहा है देखो शक्ल क्या बनाई है उसने उधर वालों का भी ध्यान सुल्तान की तरफ है भाई अपना काम करो यार सुल्तान स्टेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करता है जबकि फॉर्म फिल करने की डेट कब से गुजर चुकी है सुल्तान ने अपने से डबल वेट वाले को चैलेंज कर दिया और ये बंदा कह रहा है कि उसने विनाश कर दिया अगर उसने इतना गलत काम किया है तो आप मैच कैंसिल करवा दो और उसने ऐसे कैसे चैलेंज कर दिया अपने से डबल वेट वाले को वेट की क्लास होती किस लिए है ऐसे तो ज्यादा वेट वाले कम वेट वाले को चैलेंज ही करते रहेंगे कमेंटेटर कहता है कि ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया Explains everything. जो चीज़ रूल्स के खिलाफ है वो कोई कैसे कर सकता है सुल्तान ने बैग के हैंडल को ही तोड़ दिया उसे उठाते वक्त. अब मुझे शक हो रहा है कि सुल्तान सेन है खाना ऑर्डर किया और बिना पैसे दिए वहाँ से निकल गए पहले ऑर्डर देने की क्या जरूरत थी इस सीन में सुल्तान इस लड़की को पकड़ लेता है और फिर ये लड़की बताती है की आरफा कहाँ पर गई पर इसे कैसे पता की आरफा कहाँ पर है ये तो पूरा टाइम नीचे देख रही थी और अगर इसे पता था कि आर्फा उधर है तो उसे सुल्तान के पास जाने की क्या जरूरत थी दाल में कुछ तो गोरा है काला होता है गोरा तू चुप रह जाफो निकल यहाँ से सुल्तान से ज्यादा आरफा डिजर्व करती थी ओलंपिक्स में जाना क्योंकि वो कितने सालों से मेहनत कर रही थी और जब उसे मौका मिला तब बेचारी जा ना सकी ये देखो ये बंदा कितना जोर लगा रहा है सुल्तान को चीयर करने में इसने अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा बस सुल्तान की टेंशन लेता रहा एडवर्टाइजमेंट 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 ये क्यों चाहता है कि सुल्तान मिट्टी में लड़े ये सुल्तान की जगह किसी भी और फाइटर को बेच सकता है उस फाइटर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उसे सीखने को भी कुछ मिलेगा वैसे भी सुल्तान अगर वहां पर जीत कर आएगा तो नए फाइटर्स को अच्छा नहीं लगेगा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल वाला ऑब्वियसली उन पर भारी पड़ेगा ये स्टेचू सुल्तान की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता ये वो बंदा खड़ा है ना वहां पर बिल्कुल उसकी तरह दिखता है सुल्तान ने कहा कि आपके सवाल का जवाब मिलेगा मेरे वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पर मीडिया वाले ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उसने बहुत गलत बात कह दी हो सुल्तान आरफा के साथ नहीं रहता जबकि उसे पता है की उसके बच्चा होने वाला है तो कम से कम वो थोड़ी देर के लिए आरफा का शहर में अरेंजमेंट तो करवा ही सकता था चाची सुल्तान के मारने से पहले ही टूटा हुआ है इसने सुल्तान की पूरी स्टोरी सुना डाली और इसने वो बातें भी बताई जिस वक्त ये सुल्तान के साथ था ही नहीं इसकी तीसरी आंख खुली है शायद ये लोग आकाश के साथ काम करते हैं तो आकाश इन्हें कुछ भी नहीं बताता जो इन्हें यही नहीं पता कि आकाश सुल्तान को लाने वाला है और ये लोग आकाश के साथ हैं पर मूवी में इन्होंने चिल्लाने के अलावा कोई और काम नहीं किया सीन में आकाश कह रहा है कि उसके पास तीन महीने हैं पर शुरू में इसने छ महीने मांगे थे तो इसने तीन महीने कहाँ पर बर्बाद कर दिए ये भी उस यूट्यूब चैनल बॉलीवुड सीन्स वालों की तरह है कई बार तो तीन महीने वीडियो नहीं डालते और लोग चैनल को मुर्दा घोषित कर देते हैं सुल्तान जब ये फाइट देख रहा है तभी फाइट चलती रहती है पर टाइमर अचानक से अपने आप ही रुक जाता है फिर 408 से चल पड़ता है फिर फिर 619 के बाद से से 2 से चलने लग जाता है सुल्तान ने काफी टाइम हो गया ट्रेनिंग नहीं की उसके पास सिर्फ तीन महीने हैं जिसमें उसने अपनी बॉडी पर ध्यान देना है और एम के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता तो सुल्तान को अपनी बॉडी को तैयार करने में और एम के बारे में जानने में तीन महीने से तो ज्यादा ही टाइम लगेगा पर मुझे पता है कि सुल्तान कर लेगा क्योंकि 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 सास भी कभी बहुत थी सही में मुझे नहीं पता सुल्तान कह रहा है कि फाइट छह हफ्ते में नहीं सीखी जाएगी पर थोड़ी देर पहले काश कह रहा था कि उसके पास तीन महीने हैं और अब छह हफ्ते ही रह गए शायद इसलिए लोग कहते हैं कि टाइम का कोई भरोसा नहीं है देखो बेचारे थोड़ी देर से बात कर रहे हैं और इतना टाइम बीत गया ये चमचे से खा रहा है फिर अचानक चमचा फेंक देता है और हाथ से खाना शुरू कर देता है ये मिरर पीछे का टाइम दिखाता है सुल्तान अपना मूव डालता है और ये बंदा सुल्तान के मूव डालने के बाद पीछे देखता है और मिरर में सुल्तान फिर से वही मूव डाल रहा होता है ये कोच तो कुछ ना कुछ खा ही जा रहा है कभी चम्मच से खा रहा है कभी उंगली से खा रहा है और कभी थूक रहा है अभी कुछ देर में ही दो बार थूक दिया कटी पतंग से ट्रेनिंग यही वो लोग हैं जो पहले कट्टी पतंग को पकड़ते थे जो आजकल पॉकीमोन पकड़ी जा रहे हैं कट्टी पतंग पकड़ते वक्त भी इनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता कि सामने से क्या जा रहा है और पॉकीमोन पकड़ते समय भी वही हाल है सुल्तान जब पिछली बार पतंग पकड़ रहा था तब भी इसके पीछे यही तीन लोग थे और इस बार भी इसके पीछे वही तीन लोग हैं वे और पतंग भी एग्जैक्टली exactly उसी जगह पर आकर गिरती है ताकि सुल्तान ने जो पिछली बार जंप नहीं लगाया था वो इस बार लगा सके प्रो तो टेकडाउन न्यूज में इतना ज्यादा छाया हुआ है कि हर एक रेसलर के बारे में न्यूज में बताया जा रहा है पर अभी तो शो फ्लॉप है अभी शो हिट नहीं हुआ है तो न्यूज वालों को प्रो टेकडाउन में इतना इंटरेस्ट क्यूँ है आरफा के डैड गलती से उसी टाइम वही चैनल लगा कर बैठे है जिस पर सुल्तान की न्यूज आ रही है अगर ये लाइव है तो लाइव क्यों नहीं लिखा रहा चैनल पर सुल्तान ने ये सीन अपनी वेडिंग की डीवीडी में डलवाया है सही में आरफा ये सब कुछ डालकर ही सो गई लगता है आरफा टीवी सीरियल ज्यादा देखती है लो जी सुल्तान जी भी टीवी चलाकर सो गए इन्हें कौन सा बिल भरना है जैसे सुल्तान का मैच हो रहा है वैसा ही कुछ ये दोनों भी कर रहे हैं जिन्हें आरफा सिखा रही है भाई ये क्या हो रहा है सुल्तान मैच हारने वाला होता है तभी बेल बजाती है लगता है बेल ये बंदा बजा रहा है पूरे टाइम पर बैलो ये सभी लोग कभी ट्रेनिंग किया करते थे और रेसलिंग में अपना नाम कमाना चाहते थे पर मूवी ने अब इन्हें सुल्तान के सिर्फ चीयर बना के रख दिया है ये लोग पक्का टाइम ट्रेवलर्स हैं क्योंकि अभी सुल्तान को रोमियो रेसलर कहना शुरू नहीं किया उसे रोमियो रेसलर कहना उसके गाने गाने के बाद शुरू करते हैं और अभी तक मूवी में सुल्तान ने गाना नहीं गाया हाँ, 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 अब ये क्या है भाई ये सुल्तान को चीयर कर रहा है ऐसे कौन चीयर करता है ये फाइट के शुरू में ओपोनेंट के सामने ऐसी शक्ल बनाकर चला जाता तो उसने सुल्तान के साथ फाइट करनी ही नहीं थी सुल्तान बिना माइक के इतनी ऊंची गाना गा रहा है और सुल्तान कम्पोजर तो कमाल का है मान गए भाई यार मूवी में रोल मिला है वो तो ढंग से कर लो मूवी के अंदर भी यूट्यूब पर बॉलीवुड सीन्स के प्लेंटी रोंग विध वीडियो देखे जा रहे हैं सुल्तान फिर से घंटी की वजह से बच जाता है अब ये दूसरी बार हो रहा है ये बंदा मूवी में एक बार नहीं कई बार पहले एक लाइन इंग्लिश में बोलता है फिर उसी लाइन को ट्रांसलेट करके हिंदी में भी बोलता है डॉक्टर ने कहा कि जिसका मेन रोल है वो अब ये काम नहीं कर पाएगा पर फिर भी वो वही काम करेगा क्लीशे और टूर्नामेंट के फाइनल से पहले हीरो बुरी तरह इंजर्ड होता है क्लीशे अब एक आगे वाला भी बोल देता हूँ अब चाहे जो हो जाए फाइनल फाइट तो हीरो ही जीतेगा क्लिशे वाह भी वाह इन्हें कॉमेंटेरी के पैसे मिलते हैं और ये लोग वो भी नहीं कर रहे माइक को नीचे रख के मैच एंजॉय कर रहे हैं इन दोनों को निकाल दिया होता और इनकी जगह मुझे रख लिया होता हीरो फाइट के शुरू में मार खाता है वो सुल्तान पर इतने सारे मूवज आजमाता है और सुल्तान सब कुछ सहन कर लेता है सही में और सुल्तान इससे निकला कैसे ये दिखाया ही नहीं सुल्तान के पास रेफरी नहीं आता जबकि वो काफी देर तक गिरा पड़ा रहता है और ना ही उसका ओपोनेंट उस पर अटैक करता है ताकि सुल्तान जो पास में हुआ है वो सब कुछ याद करके दोबारा लड़े इसको पूरे मैच में क्या क्या हो रहा है हर एक चीज के बारे में कैसे पता लग रहा था हॉटस्टार पे देख रहा था क्या पर हॉट स्टार का लाइव टेलीकास्ट इतना बढ़िया कब से हो गया या इसकी भी तीसरी आंख खुली है शायद आरफा रेसलिंग दोबारा करने लग जाती है और थोड़ी देर बाद फिर से प्रेगनेंट हो जाती है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ चपेड़ मारनी है मैं तेरे तूने बनाई है ये वीडियो भाग यहाँ से और ललूश बोल यार तेरी बारी आ गई ललूश भी सब्सक्राइब चलो मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट बॉलीवुड सेंस